हेलो फ्रेंड्स, मैकेनिकल रेफ्रिजरेशन सिस्टम तथा वेपर कंप्रेशन सिस्टम में कंप्रेसर, कंडेंसर, रिसीवर, ड्रायर फिल्टर, एक्सपांशन वाल्व और इवापोरेटर इत्यादि मेन भाग होते हैं। तो दोस्तों, आज हम सिस्टम में प्रयोग किए जाने वाला कंडेंसर की कार्यप्रणाली और उसके जो प्रकार है उसके बारे में जानकारी लेंगे। फंक्शन ऑफ ए कंडेंसर, द कंडेंसर इज अ हीट ट्रांसफर एलिमेंट, यानी कि कंडेंसर जो हम मैकेनिकल रेफ्रिजरेशन सिस्टम में यूज़ किए करते हैं वो एक हीट ट्रांसफर का एलिमेंट है। द हीट रिमूव फ्रॉम द हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर वेपर रेफ्रिजरेंट यूजिंग कंडेंसिंग मीडिया, यानी कि कंडेंसर में कंडेंसिंग मीडिया का प्रयोग करके वहाँ की हीट निकाली जाती है। एज अ रिजल्ट रिमूविंग हीट फ्रॉम कंडेंसर हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर वेपर रेफ्रिजरेंट कन्वर्ट इन टू हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर लिक्विड, यानी कि कंडेंसिंग मीडिया का प्रयोग करके जब हम कंडेंसर की हीट निकालते हैं तो वो कंडेंसर में जो इनलेट में हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर वेपर रेफ्रिजरेंट है उसका हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर लिक्विड में कन्वर्ट वो लिक्विड में कन्वर्ट होता है। द कंडेंसर रिमूव हीट फ्रॉम द रेफ्रिजरेंट इन थ्री स्टेजेस, मीन्स कंडेंसर में जो हीट निकाली जाती है वो तीन स्टेज में होती है। फर्स्ट डी सुपर हीट, सेकेंड लैटर्न हीट और थर्ड सब कूलिंग। फर्स्ट डी सुपर हीट, डी सुपर हीट यानी जब कंडेंसर में रेफ्रिजरेंट आता है या कंप्रेसर से रेफ्रिजरेंट जब बाहर निकालता है, तब कंप्रेसर से जब रेफ्रिजरेंट बाहर निकालता है तब कंडेंसर के आने तक वो रेफ्रिजरेंट अपनी हीट थोड़ी एम्बियंट को देता है और उसी कारण वो रेफ्रिजरेंट का टेम्परेचर थोड़ा कम होता है, उसे हम क्या बोलते हैं, डी सुपर हीट बोलते हैं। वो जो रेफ्रिजरेंट हीट रिलीज करता है छोड़ता है वो सेंसिबल हीट होती है, यानी थोड़ा उसका टेम्परेचर कम होता है। सेकेंड सैचुरेटेड वेपर रेफ्रिजरेंट गिव्स अप इट्स लैटर्न हीट एंड ही इज कंडेंस टू अ सैचुरेटेड लिक्विड रेफ्रिजरेंट। जब कंडेंसर के इनलेट में हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर वेपर रेफ्रिजरेंट आता है तभी हम कंडेंसिंग मीडिया का यूज़ करके जो रेफ्रिजरेंट है हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर उसकी हीट निकालते हैं, और उसकी हीट निकालने के कारण वो रेफ्रिजरेंट आउटलेट में हमें हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर लिक्विड में मिलता है। वह कंडेंसर में जो मैक्सिमम हीट निकाली जाती है वो लैटर्न हीट है। क्यों? क्योंकि कंडेंसर के इनलेट में हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर रेफ्रिजरेंट है, आउटलेट में भी हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर रेफ्रिजरेंट है, लेकिन इनलेट में जो रेफ्रिजरेंट का स्टेज है वो वेपर है और आउटलेट में वो लिक्विड है, तो वहाँ स्टेट जो है वो स्टेट खाली चेंज हो गया, प्रेशर और टेम्परेचर उतना ही है, और जब हम स्टेट चेंज करते हैं तो वहाँ हम लैटर्न हीट रिमूव करते हैं। थर्ड नंबर, द टेम्परेचर ऑफ ए लिक्विड रेफ्रिजरेंट इज रिड्यूस बिलो द सैचुरेशन टेम्परेचर मीन्स सब कूल। बाद में जब लिक्विड रेफ्रिजरेंट को और हम ठंडा करते हैं या उसकी सेंसिबल हीट निकालते तो वो क्या होता है, सब कूल होता है। मीन्स यानी कि कंडेंसर में फर्स्ट स्टेज में डी सुपर हीटिंग होती है, बाद में डी सुपर हीटिंग में हम सेंसिबल हीट निकालते हैं, बाद में लैटर्न हीट निकालते हैं और फिर सब कूल करते हैं रेफ्रिजरेंट, और सब कूल करने के लिए फिर सेंसिबल हीट निकाली जाती है। क्लासिफिकेशन ऑफ कंडेंसर, अकॉर्डिंग टू द कंडेंसिंग मीडियम यूज द कंडेंसर्स आर क्लासिफाइड इनटू द थ्री फॉलोइंग टाइप्स। मीन्स हम कंडेंसर में कंडेंसिंग मीडिया कौन सा यूज़ करते हैं उसी के कारण कंडेंसर के मुख्य तीन प्रकार होते हैं। पहला आता है एयर कूल कंडेंसर, दूसरा आता है वाटर कूल कंडेंसर और तीसरा आता है इवापोरेटिव कंडेंसर। एयर कूल कंडेंसर, कंडेंसर में हीट निकालने के लिए हम एयर का यूज़ करेंगे,
तो उसे हम एयर कूल कंडेंसर बोलेंगे। सेकेंड नंबर वाटर कूल कंडेंसर, कंडेंसर की हीट निकालने के लिए जब हम पानी का इस्तेमाल करेंगे तो हम उसे वाटर कूल कंडेंसर बोलेंगे। और थर्ड नंबर इवापोरेटिव कंडेंसर, कि जिस कंडेंसर में हम एयर और वाटर ये दोनों का मिक्सर का इस्तेमाल करते हैं हीट निकालने के लिए, तो हम उसे क्या बोलते हैं, इवापोरेटिव कंडेंसर बोलते हैं, एयर कूल कंडेंसर। जिस प्रकार के कंडेंसर में कंडेंसर की हीट रिमूव करने के लिए एयर का इस्तेमाल किया जाता है उसे हम एयर कूल कंडेंसर बोलते हैं। टाइप्स ऑफ एयर कूल कंडेंसर, एयर कूल कंडेंसर के कौन कौन से प्रकार हैं। एयर कूल कंडेंसर के जो मेन दो प्रकार आते हैं, नेचुरल ड्राफ्ट और आर्टिफिशियल ड्राफ्ट, वो कंडेंसर के ऊपर जो एयर सर्कुलेशन है उसी हिसाब से वो प्रकार आते हैं। पहला आता है नेचुरल ड्राफ्ट, कि जिस प्रकार के कंडेंसर में जो एयर सर्कुलेशन है वो नेचुरल हो उसे हम नेचुरल ड्राफ्ट एयर कूल कंडेंसर बोलते हैं। और जिस कंडेंसर में कंडेंसर के ऊपर से एयर आर्टिफिशियली सर्कुलेट की जाती है उसे हम आर्टिफिशियल ड्राफ्ट एयर कूल कंडेंसर बोलते हैं। बाद में अकॉर्डिंग टू कंस्ट्रक्शन नेचुरल ड्राफ्ट के तीन प्रकार आते हैं, प्लेट सरफेस, वायर मेश और फिन्स टाइप। सेकेंड आर्टिफिशियल ड्राफ्ट कंडेंसर, कि आर्टिफिशियल ड्राफ्ट में ड्राफ्ट कंडेंसर मैंने हमने देखा है कि जो उसके ऊपर का जो एयर सर्कुलेशन है वो आर्टिफिशियल है, वहाँ हम फैन से एयर क्या करते हैं, सर्कुलेट करते हैं और वहाँ क्वांटिटी ऑफ एयर ज़्यादा से ज़्यादा देते हैं। और वो जो सर्कुलेशन जब करते हैं तब उसका इंस्टॉलेशन किस प्रकार से है उसके कारण वो दो प्रकार आते हैं, एक रिमोट टाइप और दूसरा चासिस टाइप। और आर्टिफिशियल का अकॉर्डिंग टू कंस्ट्रक्शन, भी कंस्ट्रक्शन के अनुसार आर्टिफिशियल का फिन्स टाइप एयर कूल कंडेंसर भाग आता है। वाटर कूल कंडेंसर, अ वाटर कूल कंडेंसर इज वन ऑफ इन विच वाटर इज यूज एज अ कंडेंसिंग मीडियम, कि जिस प्रकार के कंडेंसर में कंडेंसर की हीट रिमूव करने के लिए पानी का इस्तेमाल किया जाता है उसे हम वाटर कूल कंडेंसर बोलते हैं। टाइप्स ऑफ वाटर कूल कंडेंसर, वाटर कूल कंडेंसर के प्रकार। अगर हम कंडेंसर की हीट निकालने के लिए पानी का इस्तेमाल करेंगे तो पानी वो कंडेंसर की, कंडेंसर में जो रेफ्रिजरेंट है उसकी हीट एब्जॉर्ब करता है और उसी के कारण पानी का टेम्परेचर बढ़ जाता है। अगर वो पानी हमने फिर से दोबारा इस्तेमाल किया तो वो प्रॉपरली रेफ्रिजरेंट कंडेंस नहीं कर पाएगा। तो उसी हिसाब से ये दो प्रकार आते हैं, वाटर वेस्टेज और वाटर रिसर्कुलेटिंग। अगर हमने जो पानी इस्तेमाल किया तो वो हीट निकालने के बाद हम जब वेस्ट करेंगे तो आएगा वाटर वेस्टेज। और जो हम पानी यूज़ करेंगे वो एक बार जब पानी ने हीट निकाला तो पानी थोड़ा गर्म हो गया, फिर से वो ठंडा करके हम फिर से उस पानी का रीयूज़ करेंगे, उसको हम क्या बोलते हैं, वाटर रिसर्कुलेटिंग सिस्टम। मीन्स वाटर कूल कंडेंसर के जो मेन दो प्रकार आते हैं वो प्रकार हम पानी का किस तरह से इस्तेमाल करते हैं उसी कार्य के कारण ये दो प्रकार आते हैं। अगर एक बार यूज़ किया वो वेस्ट किया तो वाटर वेस्टेज हो गया, और रिसर्कुलेटिंग में हम वो पानी फिर से ठंडा करके फिर यूज़ करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, वाटर रिसर्कुलेटिंग वाटर कूल कंडेंसर। अभी अकॉर्डिंग टू कंस्ट्रक्शन, कंडेंसर की जो कंस्ट्रक्शन है उसी हिसाब से कंडेंसर के जो प्रकार आते हैं उसमें ट्यूब इन ट्यूब है, सेकेंड प्लेट हीट एक्सचेंजर टाइप, थर्ड शेल एंड ट्यूब और फोर्थ शेल एंड कॉइल। फिर शेल एंड ट्यूब कंडेंसर के अकॉर्डिंग टू इंस्टॉलेशन, इंस्टॉलेशन के अनुसार फिर दो प्रकार आते हैं, वर्टिकल शेल एंड ट्यूब कंडेंसर एंड हॉरिजॉन्टल शेल एंड ट्यूब कंडेंसर। थर्ड इवापोरेटिव कंडेंसर, इन इवापोरेटिव कंडेंसर एयर एंड वाटर इज यूज फॉर कंडेंसिंग मीडियम, कि जिस कंडेंसर में हीट रिमूव करने के लिए हवा और पानी ये दोनों मीडियम का यूज़ किया जाता है उसे हम क्या बोलते हैं, इवापोरेटिव कंडेंसर बोलते हैं। टाइप्स ऑफ इवापोरेटिव कंडेंसर, इसमें भी
दो प्रकार के कंडेंसर होते हैं, इवापोरेटिव कंडेंसर होते हैं, पहले नेचुरल ड्राफ्ट इवापोरेटिव कंडेंसर और दूसरा आर्टिफिशियल ड्राफ्ट इवापोरेटिव कंडेंसर। अभी आपने देखे कि इवापोरेटिव कंडेंसर में हवा भी यूज़ किया है और पानी का भी यूज़ किया है। अगर हम हवा यूज़ करते टाइम मीन्स एयर जब हम यूज़ करेंगे, तब जब एयर का सर्कुलेशन नेचुरल हो तो उसको हम क्या बोलेंगे, नेचुरल ड्राफ्ट इवापोरेटिव कंडेंसर। और जिस प्रकार के कंडेंसर में एयर का सर्कुलेशन आर्टिफिशियल है तो उसे हम क्या बोलेंगे, आर्टिफिशियल ड्राफ्ट इवापोरेटिव कंडेंसर। तो दोस्तों आज हमने कंडेंसर की कार्यप्रणाली और उनके पार्ट के बारे में जानकारी ली है। थैंक यू।